पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 200 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पंजाब के लुधियाना पुलिस की एसटीएफ टीम ने ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आइस के मामले में यह पंजाब की सबसे बड़ी रिकवरी है। पुलिस की एसटीएफ टीम ने ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आइस के मामले में यह पंजाब की सबसे बड़ी रिकवरी है। यह ड्रग्स जम्मू कश्मीर से लाई गई थी, जिसे देश के विभिन्न शहरों में पहुंचाया जाना था। अनुमान है कि पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एसटीएफ को पकड़े गए तीनों तस्करों के 5 और साथी तस्करों की तलाश है। 28 किलो हेरोइन व 6 किलो आइस पकड़ी गई है, जिसे इंडेवर विसियाज कार में लाया गया। आईजीआर के जायसवाल लुधियाना पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान न्यू भगवान नगर टावर लाइन निवासी मंजीत सिंह, गुरदासपुर निवासी विशाल तथा अबोहर की नानक नगरी की गली नंबर 1 निवासी अंग्रेज सिंह के रूप में हुई है। अंग्रेज सिंह इन दिनों राजपुरा के फोकल पॉइंट इलाके में रह रहा है। उन्होंने बताया कि मामले में एसटीएफ को बटाला निवासी राजन शर्मा, हैप्पी रंधावा, हरमिंदर सिंह, तनवीर बेदी तथा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे सन्नी की तलाश है। इन पांचों तस्करों के एक साल पहले पाकिस्तान से लाई गई 188 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए गिरोह के साथ संबंध है। उस मामले में भी ये वांछित हैं। तस्करों के लिंक पाकिस्तान आतंकवादियों तथा गैंगस्टरों से हैं या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। पंजाब में पिछले 4 साल के दौरान 13 बार आइस पकड़ी गई है, उनमें से ये सबसे बड़ी रिकवरी है। फरार हुए तस्करों की तलाश में लगातार रेड की जा रही है। पकड़े हुए तस्करों से गहन पूछताछ जारी है। टास्क फोर्स की लुधियाना टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसमें हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक 28 केजी हीरोइन और 6 केजी आइस, मेथैम्फेटामिन जिसे हम कहते हैं, बरामद की गई है और इसमें 3 ड्रग ट्रैफिकर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं और बाकी जो 5 और ड्रग ट्रैफिकर्स जिनको नामजद किया गया है एफआईआर में, उसकी तलाश जारी है। बाकी इसकी आगे की तफ्तीश में इनके जो लोकल नेटवर्क या और भी इनके जो बाहर के भी जो नेटवर्क है, उसकी तफ्तीश की जाएगी। आइस किस तरह की ड्रग्स है सर? थोड़ा पहले जी बता दें, रिकवरी कैसे हुई है, कैसे सामने आया? ये रिकवरी हुई 29 अक्टूबर को एडीजीपी एसटीएफ हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जो हमारे चीफ हैं, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको इन्होंने एआईजी लुधियाना एसटीएफ श्री श्रीदीप शर्मा जी को इन्होंने फर्दर वो इन्फॉर्मेशन पास की और उसकी बेसिस पे एफआईआर लॉज की गई। और उसी कनेक्शन में जो 29 तारीख को ही मनदीप सिंह मन्ना, एक जिसे सानेवाल के एरिया में उसे गिरफ्तार किया गया एंडेवर गाड़ी के साथ, उसकी गाड़ी से हमें 18 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस बरामद की गई। फिर फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसी के इन्वेस्टिगेशन में 2 और बंदे, अंग्रेज सिंह और विशाल, जो कि जेएन के साइड से अपनी सियाज कार में आ रहे थे, जिन्हें फगवारा के पास से गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी से 10 किलो हेरोइन जो कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कंसील करके कैविटी बनाकर जो रखा गया था, उस वो रिकवर किया गया। इस तरह से टोटल रिकवरी अभी तक इस केस में 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस की रिकवरी हुई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई है, एक एंडेवर और एक सियाज। क्या इसका कोई पाकिस्तान से लिंक है? अभी इस स्टेज पे, चूंकि हम अभी पुलिस रिमांड में ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कि आखिर जब श्रीनगर से जब वो गाड़ी चली थी तो कौन वो बंदे थे जिन्होंने श्रीनगर में इनको वो कंसाइनमेंट्स हैंडओवर की, बाकी जो इन्हें जो डायरेक्शंस मिल रही थी कौन वो बंदे हैं जो इन्हें डायरेक्शंस दे रहे थे, कहां से दे रहे थे, ये सारी चीजें अभी तफ्तीश में पता।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.